प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह के लिए धर्मपत्नी अनुपमा सिंह ने किया जनसंपर्क अभियान। अनुपमा सिंह ने नुक्कड़ सभा में बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह के कार्यों को गिनाया। बोकारो के विधानसभा संख्या 35 बेरमो में 20 नवंबर को मतदान होनी है, जिसको लेकर बेरमो की विधायक कुमार जयमंगल सिंह की धर्मपत्नी अनुपमा सिंह ने चंद्रपुरा प्रखंड के सिजुआ पंचायत में जनसंपर्क अभियान के दौरान नुक्कड़ सभा में स्थानीय ग्रामीणों में कांग्रेस के पक्ष में वोट देने तथा कुमार जयमंगल सिंह को भारी मतों से जिताकर बेरमो विधानसभा में भेजने की अपील की। वहीं अनुपमा सिंह ने कुमार जयमंगल सिंह के 3-6 वर्षों के कार्यों को बताते हुए कहा कि इस 3 से 6 वर्ष के कार्यकाल में बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने जो कार्य किया है वो पूरे झारखंड में कहीं नहीं हुई है। ये एक विधायक के द्वारा किए गए कार्य काफ़ी सराहनीय हैं। एक बार फिर बेरमो से कुमार जयमंगल सिंह को जिताकर रांची विधानसभा भेजने का काम करें। बोकारो से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है, आपके हाथ में है। इसे 2500 बनाना हमारा काम है, आपका काम है। इसी की विनती मैं आपसे करने आई हूँ कि हम सभी को इस सरकार को दोबारा से चुनना है, हेमंत सरकार को दोबारा से चुनना है। महिलाएं चाहे हमारी बच्चियां हो, हमारी बच्चियों को भी पढ़ाई के लिए 40,000 तक की मदद की जाती है। वर्ष की महिलाओं को मिलता था, आज उस पेंशन को 50 वर्ष कर दिया गया है। किसी भी महिला को छोड़ा नहीं जा रहा है कि हाँ इन महिलाओं को छोड़ते हैं हो गया, लेकिन ये सोचिए कि हमारी सरकार, लोग सिर्फ बात करते हैं, महिला सम्मान पूरे देश में बात होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कोई करता नहीं है। तो हमारी झारखंड सरकार है जिसने करके दिखाया है, और विपक्षी दल कहते हैं उस पर भी केस होना चाहिए और उन्होंने किया भी है। तो हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि ठीक है 1,000 से 2500 कर दिया जाता है इसको।